प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है ताकि हम उस वचन को समझकर और उस पर चलकर वो पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। पर इसी वचन के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो हम नहीं समझ पाते। बाइबल कहती है कुछ लोग वचन को अपनी ही समझ से तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। ऐसे बहुत से शिक्षाएं हैं इस दुनिया में जो एक वचन को लेके दी गई है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है और उसके ऊपर किसी ने अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन, अपना पूरा जो उन्होंने समझा था वो डाल दिया और कुछ समय में ही ये समझ में आ जाता है कि ये जो पीछे की सोच है ये पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है, ये इनकी अपनी सोच है। मैं आज आपके साथ एक ऐसे वचन पर बात करना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में और बहुत सारी जगहों पर ये गलत तरीके से समझा गया है और गलत तरीके से लिया गया है। इवन कुछ लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते वो तो इस वचन को एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ बांटूं, मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, बाइबल को बीच बीच में से न पढ़ें, बाइबल को एक जगह से शुरू करें और लगातार पढ़ें ताकि आप उसके वचनों का अर्थ समझ पाएं। आप जानते हैं हमारी बाइबल के अंदर एक ऐसा वचन भी है जिसमें लिखा है कोई परमेश्वर नहीं है, देयर इज नो गॉड। सोचो अगर कोई बीच में से इस वचन को पढ़ ले तो वो कहेगा जब परमेश्वर है ही नहीं तो मैं बाइबल क्यों पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर हम पूरा वचन पढ़ें तो वहां लिखा है मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल को बीच बीच में से न पढ़ें। जब बाइबल बनाई गई तो उस बाइबल के अंदर कुछ रिबन्स डाले गए इस तरह के ताकि हम इसे जहां कंप्लीट करते हैं वहां पर उसको छोड़ के अगले दिन भी हम वहीं से इसको पढ़ना स्टार्ट करें। आज मैं जो वचन आपके साथ देना चाहता हूं वो ये वचन है। बहुत सारे लोग इस वचन का अर्थ नहीं समझ पाते जिसमें लिखा है मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूं, शांति के लिए नहीं। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है मत्ती 10 अध्याय उसका 34वां वचन। यहां लिखा है यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। अब बहुत से जो लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों के साइंस को नहीं समझते, चिन्ह को नहीं समझते। साइन का मतलब होता है, आपने देखा होगा कुछ इशारे होते हैं, कोई कोई शॉप्स ऐसी होती हैं जो बहुत अंदर होती हैं तो बाहर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है कि इस शॉप में जाने के लिए आप यहां से जाइए। या कभी आप देखेंगे तो जब हम किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है एग्जिट या एंटर, या तो यहां से जाओ वहां से जाओ। इन सारी चीजों को कहते हैं साइन। बाइबल में मेमना यीशु का चिन्ह है, अंजीर का जो वृक्ष है, पेड़ है, वो इज़राइल का चिन्ह है। हम किस तरह की जिंदगी अंदर रख रहे हैं वो दाखरस का एक चिन्ह है। जैसे यीशु ने कहा एक जगह पे पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरते, नई लाइफ के लिए नई चीजें चाहिए। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर तलवार जो साइन है वो परमेश्वर का वचन है, न कि फिजिकल तलवार है। पुराने नियम में बहुत सारे लोगों ने अपनी लड़ाइयां तलवार से लड़ी लेकिन हम उन समयों में नहीं रहते। एक दिन था जब बाइबल कहती है यीशु मसीह गत्समनी नामक बाग में प्रार्थना कर रहे थे। वे बार बार अपने चेलों को भी कह रहे थे उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो, और ये कहकर वो वापस अपने प्लेस पे जा रहे थे और फिर से वही प्रार्थना कर रहे थे हे पिता मैं प्रार्थना करता हूं ये प्याला हटा फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कई बार यीशु ने प्रार्थना की और उसने चेलों को भी शेक किया कि वे प्रार्थना करें लेकिन उनके चेलों ने बिल्कुल भी प्रेयर नहीं की क्योंकि वे थके हुए थे, वे नींद में थे। और जैसे ही यीशु मसीह को लोग
यीशु मसीह को लोग अरेस्ट करने के लिए आए, पतरस के पास एक तलवार थी, एक वेपन था, और उसने उसको उठाया और जो आदमी यीशु को अरेस्ट करने के लिए आ रहा था, पतरस उसका कान उड़ा दिया। जो परमेश्वर यहां कहता है मैं तलवार चलाने आया हूं, वही सेम परमेश्वर पतरस को कहता है तलवार अंदर रख, जो तलवार चलाएंगे वे तलवार से मरेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। लड़ाई झगड़े ऊंची आवाजों में चिल्लाना किसी के ऊपर, यह हम क्रिश्चियंस को शोभा भी नहीं देता और ना ही बाइबल हमें इन चीजों की इजाजत देती है। बाइबल हमें यस डिसिप्लिन के बारे में सिखाती है कि कोई अगर गलत कर रहा है तो आप उसे समझाइए, लेकिन गाली देना, मारना, पीटना ये कहां पर भी अलाउ नहीं है हमारी बाइबल के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां क्या हो रहा है। एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तलवार अंदर रख, जो तलवार चलाएंगे वे तलवार से मरेंगे। आप पूरे प्रेरितों के काम अमाल की किताब को पढ़ के देखिए, इफ यू रीड द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, चेलों को सताया गया, चेलों को मारा गया, चेलों को पीटा गया, वे कभी अपने हथियारों को लेके उनसे लड़ने नहीं गए, वे हमेशा अपनी उस जगह पर आए जहां पर वो खड़े होकर बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं सबसे पहले कि हम मसीह लोग लड़ाई और झगड़ों के लिए नहीं बने हैं। तो इस वचन का अर्थ क्या है जो यीशु कहता है मैं तलवार चलाने आया हूं? बड़े ध्यान से सुनिए, जब कोई तलवार चलाता है तो उसकी रिजल्ट क्या आती है? उसकी रिजल्ट आती है डिविजन्स। डिविजन्स का मतलब होता है चीजों का बट जाना। अगर मैं यहां पर एक कपड़े को अगर मैं छुरी से काट रहा हूं, तलवार से काट रहा हूं, तो वो दो भाग हो जाएगा। यीशु हमें बुराई से अलग करने आया। अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं शराब पीता हूं, परमेश्वर मेरी इस आदत पे तलवार चलाएगा, और वो तलवार कुछ और नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। जरा सोचिए, एक भाई है जो शराब पीता है और उसे कोई कहता है कि चर्च आओ, शराब छूट जाएगी, और जब वो चर्च आता है और वहां पर पास्टर जी प्रचार कर रहे थे कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है और तुम परमेश्वर के मंदिर को नाश नहीं कर सकते। ये वो तलवार है जो परमेश्वर अपने लोगों पे चलाता है ताकि डिविजन्स हो, वे बुराई से अलग हो, न कि परमेश्वर ने यहां पर हमें किसी भी तरह का हथियार उठाने के लिए कहा है। यीशु ने साफ कहा है, साफ साफ, जो तलवार चलाएंगे वे तलवार से मरेंगे। सोचो, एक बंदा है या एक प्रभु की बेटी है, वो कलीसिया में आती है और वो समझो वो बुराइयां करते हैं या वो बुराई करती है, और जब वो चर्च में आती है और पास्टर जी वहां से प्रचार कर रहे थे कि निंदा करना, किसी के घर की बात किसी और को बताना ये पाप है, इसे कहते हैं तलवार चलाना। तलवार डिविजन्स लेके आती है, तलवार जो है वो चीजों को दो भागों में बांट देती है। यीशु ये तलवार चलाने आया, न कि वो तलवार जिसके बारे में हम देखते हैं जो हाथ से चलाई जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इफिसियों की किताब में साफ साफ लिखा गया है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। Our battle is not with flesh and blood. आप किसी भी व्यक्ति से लड़ नहीं सकते। इवन आप पुराने नियम में पढ़ के देखिए, जब परमेश्वर अब्राहम और लूत को अलग कर रहा था, जब अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में प्रॉपर्टियों को संभालने में उनके बहुत सारे भेड़ बकरियां थे, और जब वे संभाल रहे थे और उनके आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा हम भाई हैं, हमें लड़ना नहीं है, तू अलग हो जा, तू दाएं जाएगा मैं बाएं चला जाऊंगा, तू बाएं जाएगा मैं दाएं चला जाऊंगा, तुझे जो चाहिए तू ले ले, जो तुझे अच्छा ना लगे तू वो मुझे दे दे। ये होते हैं परमेश्वर के लोग। इसीलिए परमेश्वर आज तक खुद को ये कहता है मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर आज भी अपने आप को अब्राहम का परमेश्वर कहता है।
क्योंकि अब्राहम झगड़ालू किस्म का व्यक्ति नहीं था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो से आपकी ये कन्फ्यूशन क्लियर हुई होगी कि इस वचन का अर्थ क्या है। और एक चीज और भी मैं बताना चाहता हूं, अगर आप और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं इसलिए आया हूं ताकि माँ को अपनी बेटी से और बाप को अपने बेटे से अलग करूं। याद रखिए, सच्चाई पर चलने के कारण बहुत लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये दुनिया बुराई पसंद करती है, ये दुनिया पसंद करती है ऐसे लोग जो उनकी तरह हो। मैं आपको सच कहता हूं, आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे मसीह के अंदर जिनके परिवार के लोग उनसे अब प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसा ख्याल है कि हमारे बच्चों ने गलत किया है, हमारे बच्चों ने एक अलग धर्म अपनाया है। मैं 18 साल से इस बाइबल को पढ़ रहा हूं, बाइबल में कहां भी नहीं लिखा है कि यीशु कोई धर्म बनाने आया। क्या आपने देखा है आपके बच्चों में कितना बदलाव आ चुका है? आपके बच्चे अगर प्रभु में नहीं होते तो आज कहां होते? आपको शुक्र करना चाहिए जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बच्चों ने क्या किया है। आज आपके मन में ये ख्याल आता है कि आपका बच्चा एक अलग रिलीजन को फॉलो करता है। मैं आपको सलाह देता हूँ, आप खुद इस बाइबल को उठाइए, इसे पढ़िए और बताइए हमें कि बाइबल में कहाँ पर भी धर्म को बढ़ावा दिया गया है। बिल्कुल नहीं। धार्मिकता, हिंदी में जहां जहां हिंदी में हमारी बाइबल में धर्म है वहां इंग्लिश में राइचसनेस है। धार्मिकता, धार्मिकता का मतलब होता है सीधा चलना, राइचसनेस, राइट लिविंग। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपके बच्चों ने धर्म नहीं अपनाया है, आपके बच्चों ने परमेश्वर को अपनाया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जो घरों के अंदर एक मसीह व्यक्ति को बहुत सारे लोग इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो यीशु को फॉलो करता है, तो ये वचन में ऑलरेडी लिखा है कि यीशु पर विश्वास करने के कारण हो सकता है एक पिता अपने पुत्र को छोड़ दे, इसीलिए क्योंकि वो यीशु को फॉलो करता है। एक बेटी अपने माँ को भी छोड़ सकती है, यीशु ने कहा हाँ मुझ पर विश्वास करने के कारण लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के थ्रू आपके कुछ कन्फ्यूशंस क्लियर हुए होंगे। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं इसलिए आर्टिकल लिखता हूँ ताकि आपको वचन के द्वारा मैं आपको और भी समझा सकूँ। मैं यहाँ पर भी शेयर कर सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं कुछ वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो हर एक व्यक्ति देख सके जिसके मोबाइल में कम इंटरनेट भी क्यों ना है। मैंने हमेशा की तरह एक आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल का नाम है तलवार। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप इस नंबर पे हमें अपना नाम और आप कहाँ से हैं हमें लिखकर भेज सकते हैं और हम वो आपको आर्टिकल भेज देंगे। और अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। खुदा आपके साथ है, आप सबको जय मसीह की।